हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करूंगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो चलिए जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। जब कोई भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा m प्लस n। जब कोई भी एक्सपोनेंट डिवाइड होता है तो उसका पावर माइनस हो जाता है, p बाई क्यू पावर हो जाएगा यम माइनस एन। डिवाइड में पावर माइनस होता है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब पावर ऐसे हो, जब पावर की पावर हो, तब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि पी बाई क्यू यम मल्टीप्लाई एन। जब दो एक्सपोनेंट हो, उसका होल की कोई पावर हो, इसका मतलब होता है एक की पावर भी वही है और दूसरे की पावर भी वही होती है। जब किसी भी एक्सपोनेंट की पावर जीरो हो, इसका मतलब होता है कि वो वन है। जब कोई भी किसी भी चीज़ की पावर एम हो और उसका उसका भी इक्वल हो, किसी और की पावर एन हो, मतलब कि जब ये दोनों इक्वल का साइन लगा रहे, अगल बगल पावर लगा रहे और ये जो हमारा बेस है वो हमारा इक्वल रहे, तो हमारा ये बेस बेस कट जाता है और आ जाता है हमारा यम यन, मतलब कि यम इज इक्वल टू यन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सारे के सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको यही मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारी सारी वीडियो आप देखेंगे जब आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।